आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग, ये जो हमारे चयन आयोग द्वारा विभिन्न पोस्ट कोड के जो एग्जाम्स हुए और जिसमें पेपर लीक हुआ उससे संबंधित था। इसकी अध्यक्षता जो है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के इनकी अध्यक्षता में हुई और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हर्षवर्धन और हमारे विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा मेरे अलावा इसमें मेंबर्स थे। तो इसमें ये फैसला लिया गया कि जो पोस्ट कोड है 1903 जिसमें 82 पोस्ट है और इसमें जो FIR हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें केवल 5 अक्यूज़ जो है इसमें है, तो ये जो है 5 अक्यूज़ के को छोड़कर बाकी रिजल्ट जो है घोषित किए जाएंगे और उनकी उनको जो है चयन किया जाएगा। इसी तरह से पोस्ट कोड है 939, ये भी JUIT का है, इसमें 295 पोस्ट है और इसमें 11 अक्यूज़ हैं, तो सिर्फ ये अक्यूज़ जो 11 है उसके अलावा बाकी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। आज सिर्फ 2 पोस्ट को लेकर हुआ है, ये 903 और 939। सर कैबिनेट में जाएगा सर ये जो है कैबिनेट को रिकमेंडेशन किया है कि इनको जो है किया जाए, जैसे पोस्ट 8-1-7 का किया था सेम पैटर्न पे इन 2 पोस्ट को भी किया गया। 11 पोस्टें खाली रहेगी और 5 पोस्टें बेसिक वाले में रहेंगी, बाकियों को लेकर अभी और जो पोस्ट हैं बचे हुए उनके ऊपर जो है फिर अलग से बैठक होगी, तो उसमें कुछ मामला हुआ है थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, उसमें एक कमेटी के द्वारा भी पहले उसका फैसला लिया गया है। सर 817 को लेकर क्योंकि पहले डिसीजन हो गया था कि 7 उसमें कल्प्रिट माने जा रहे हैं तो उतनी सीट छोड़कर रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन सर प्रक्रिया उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। होगी प्रक्रिया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, अब इनको सीधा जो है अपॉइंटमेंट्स होने हैं। बिल्कुल सर, नियुक्तियों के लिए कितना इंतजार यहाँ पर अभी? कुछ नहीं, हमने तो अपना काम कर दिया है, जो चयन आयोग है ये डॉक्यूमेंटेशन का टाइम इन्होंने लेना है, इसमें काफी पोस्टें ज्यादा है तो समय लगा हुआ है इनको। सर कुछ और पोस्ट ऐसे बच गए हैं 980 के भी क्योंकि आज काफी अभ्यर्थी पहुंचे थे, सर कब तक इन पर डिसीजन हो पाएगा? इसका भी जल्द से जल्द करेंगे। सर जो आज मीटिंग हुई है क्योंकि बिजनेस के अधिकारी भी थे, तो जो जांच चल रही है इंक्वायरी चल रही है वो किस स्टेज पर है सर, क्या अभी तक साक्ष्य मिल रहे हैं? इसमें बहुत सारे केसों में जो है जो FIR हुआ है उसमें फाइनल स्टेज पे है, कईयों में चार्जशीट जो है अब कोर्ट में दाखिल होने वाले हैं। ठीक है।